पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लंबी कतारें। देश के कई पेट्रोल पंप क्या हुए बंद? क्या देश में आ गया पेट्रोल का संकट? देश में फिर से अफवाहों का बाजार गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अफवाहें भी ऐसी जो आम लोगों को परेशानी में डाल देती हैं। सवाल अब हर किसी के जहन में यही है कि क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कमी होने जा रही है। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों से देश में पेट्रोल पंप के ड्राई होने की खबरें तक सामने आ रही हैं। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। तो आखिरकार सच्चाई है क्या, आइए आपको बताते हैं। एक तरफ जहां पेट्रोल पंप डीलर्स का दावा है कि BPCL और HPCL जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फ्यूल सप्लाई कम कर दी है और मांग का केवल 1/4 तेल उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहीं सरकार और तेल कंपनियों का दावा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। दरअसल बात यह है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की बातें सामने आ रही हैं, और हो भी क्यों ना, जब पेट्रोल पंप पर कई शहरों में लंबी लंबी कतारें जो लग जाएं, तो फिर शंका तो होगी। लेकिन इन लंबी लंबी कतारों के पीछे की वजह क्या है, तो इस सवाल का जवाब ये नहीं कि पेट्रोल की कमी हो गई है। असल में देश में किसी भी तरह के पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा तो देखिए इंडियन ऑयल कंपनी के डायरेक्टर का ये ट्वीट। चलिए अब समझिए असली मसला है क्या। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर वी सतीश कुमार ने ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि डियर कस्टमर, हमारे रिटेल अकाउंट पर प्रोडक्ट की उपलब्धता बिल्कुल सामान्य है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि घबराए नहीं। चलिए अब सरकार की तरफ से भी जो बयान जारी हुआ उसे भी देख लीजिए। इस मामले पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी किया और बयान जारी करके कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में विशिष्ट स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की मांग में इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल का उत्पादन मांग में तेजी को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वहीं मांग में बढ़ोतरी का कारण एग्रीकल्चर एक्टिविटी को भी बताया गया है। यानी कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया के जरिए इस अफवाह को हवा दी और फिर देखते ही देखते अफवाह आग में तब्दील हो गई। लोग बिना सोचे समझे पेट्रोल पंप की तरफ अपनी गाड़ियों को लेकर कूच करने लगे। कतारें लंबी लंबी लगने लगी, जिसके चलते कुछ राज्यों में एकाएक तेल की कमी की खबरें भी सामने आने लगी। पेट्रोल के स्टॉक में कमी की खबर घर घर तक पहुंच गई। फिलहाल देश में पेट्रोल और डीजल पूरी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पेट्रोल की कमी की जो बातें की जा रही हैं, वो कोरी और कोरी अफवाहें हैं। चलिए अब ये भी जान लीजिए ये पेट्रोल आप तक पहुंचता कैसे है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा पेट्रोल इंपोर्ट करता है। विदेश से आने वाला कच्चा तेल रिफाइनरी के लिए जाता है, जहां से पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इसके बाद तेल कंपनियां अपना मुनाफा बनाती हैं और पेट्रोल डीजल को फ्यूल स्टेशन तक पहुंचाती हैं। पेट्रोल पंप पर आने के बाद पेट्रोल पंप का मालिक अपना कमीशन जोड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगने वाला टैक्स जोड़कर उस कीमत में आपको पेट्रोल डीजल मिलता है। यानी कुल मिलाकर हमारे देश में ऑयल की कोई कमी नहीं है, इसलिए घबराइए नहीं। अगर कोई अफवाह फैलाए तो उसे ये रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। भारत के पास ऑयल प्रोसेसिंग कंपनियों को देने के लिए पर्याप्त मात्रा में डॉलर भी है। तेल कंपनियों को तेल बेचने पर घाटे वाली बात भी कोरी और कोरी अफवाहें हैं। यानी कुल मिलाकर हमारे देश में पेट्रोल की कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।